Assalamualaikum friends and welcome to the vlogging by Haseeb, live from Burewala, live from Pakistan. And today we are going to discussing about the things to make Burewala district. Burewala ko zila banaya jaye bade puraman tarike se hum ye aaj keh rahe hain. Aaj ki vlog banane ka mera maqsad hi yahi hai ki Burewala ko zila banaya jaye. Burewala ko zila kyu banaya jaye? Burewala mein kuch aisa khaas kya hai? Burewala ko kyu zila banaya jaye? Ye sawal aajkal bahut sargaram hai. So Burewala ki jo abadi hai 15 lakh se bhi zyada abadi hai. Burewala ki population hai aur iske ilawa Burewala Pakistan ka 31st largest city hai. 31st largest सिटी होना कोई आम बात नहीं है. ये बुरेवाला के पास एक एजाज़ है कि बुरेवाला की आबादी इतनी ज़्यादा है. और बुरेवाला का हाँ ये बात है कि बुरेवाला का रकबा थोड़ा कम है, लेकिन बुरेवाला बहुत ही खूबसूरत सिटी है. बुरेवाला सिटी ऑफ एजुकेशन है, बुरेवाला सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है, और बुरेवाला 233 देहात पर मुश्तमिल है. इसके अलावा बुरेवाला में एक मिल है, BTM मिल, जो कि आजकल तो बंद है, लेकिन अपने अरूज के दिनों में जब वो चला करती थी तो उसकी वजह से गिर्दोनवाह में बहुत ढेर सारी बुरेवाला की आबादी हुआ करती थी. ये भी अभी बुरेवाला की आबादी थोड़ी कम है क्योंकि BTM मिल नहीं चलती, लेकिन BTM मिल अगर बुरेवाला को ज़िला बना दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि BTM मिल को भी दोबारा बहाल किया जाएगा. अगर ये तहसील रही तो मुझे नहीं लगता कि BTM मिल कभी भी बहाल हो सकती है. BTM मिल बहुत सालों से बंद पड़ी हुई है और अपना अरूज इस वक्त खो चुकी है, लेकिन अभी भी मिल का रकबा वैसे ही है. मिल के पास उसकी सिक्योरिटी का फुल बंदोबस्त है, बस उसको चलाना बाकी है और भी बहुत सारे इंतजाम तो करने पड़ते हैं. लेकिन इसके अलावा आज हम आपको लाइव दिखाएंगे बुरेवाला के पास क्या क्या आजाज़ हैं, बुरेवाला के पास क्या क्या ऑनर है, बुरेवाला में कौन कौन सी जगह मशहूर है, बुरेवाला में क्या चीज़ ऐसी खास है कि बुरेवाला को ज़िला बनाया जाए. बुरेवाला के पास एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि मुल्तान डिवीजन में, मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम के बाद बुरेवाला का जो स्टेडियम है सबसे बड़ा है. पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम बुरेवाला के भी पास है, उसे उसका जिसका नाम है कायदे आज़म स्टेडियम. और इसके अलावा बुरेवाला के पास एक सब्ज़ी मंडी है जो कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उनकी जो बड़ी सब्ज़ी मंडी हैं उनमें से एक है. और इसके अलावा बुरेवाला में एक गल्ला मंडी है जो कि तहसील की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है. बुरेवाला की जो गल्ला मंडी है वो बहुत बड़ी है, यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो गल्ला मंडियाँ होती हैं वो उनमें से एक है. इसके अलावा भी बुरेवाला के पास बहुत से आजाद हैं. सो आज की वीडियो में वही हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आज की व्लॉग हम बस इसीलिए बना रहे हैं कि बुरेवाला को ज़िला बनाओ, तहरीक चलाओ. सो चलते हैं अब वीडियो की तरफ, चलते हैं व्लॉग की जानिब. हमारे साथ ही रहिएगा, कोई भी सीन कोई भी शॉट मिस मत कीजिएगा. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. बुरेवाला की जो आबादी है 15 लाख से भी ज़्यादा है, बल्कि मोर देन 15
लैक्स इसकी बुरेवाला की जो है पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान का जो 31st लार्जेस्ट सिटी है वो बुरेवाला है, और उसके बाद पे जो पाकिस्तान का 58th लार्जेस्ट सिटी है वो विहाड़ी है, जबकि बुरेवाला की जो आबादी है विहाड़ी से कई गुना ज़्यादा है। सो इस लिहाज से भी बुरेवाला को डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। इसके अलावा हम खड़े हुए कैनाल रोड पे, कैनाल रोड पे बुरेवाला में पंजाब कॉलेज, अलाइड स्कूल और इसके अलावा बंगला नहर बहुत ही फेमस है। बुरेवाला की जो बंगला नहर है बहुत ही बड़ी है और बहुत ही प्यारी खूबसूरत है। इसका जो व्यू है, लोकेशन है, बहुत ही प्यारा है, जैसा कि आपने कैमरे में देख लिया होगा, या अभी हमने यहाँ से जब वापस जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत प्यारी नहर है, बहुत प्यारा व्यू है, लेक है, खूबसूरत है, लाइक डैट के टाइप ऑफ पिकनिक पॉइंट इसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बंगला है, बंगला एक्चुअली एक पुराने दौर का एक हिस्टोरिकल बंगला टाइप कोई चीज़ है। वहाँ पर अब दफातर वगैरह, तहसील टाइप इस तरह के कुछ भी ज़मीनों के लिए लोग आते जाते हैं। और उसके अलावा इसी रोड पर पंजाब कॉलेज लाइट स्कूल के अलावा अल हबीब मॉल भी है, जो कि अभी अभी बुरेवाला में एक नई ईजाद हुई है 2017 में, आई थिंक सो, या उससे पहले, काफ़ी पहले हूँ, एक मॉल बना था एक दो साल पहले। बुरेवाला में कल हबीब मॉल भी है, कैनाल रोड है, और यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आजकल बन रही है, बहुत डेवलप हो रहा है। सो चलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज़ द विलेज इन बुरेवाला। बुरेवाला के पास यह दस्त भी हासिल है कि बुरेवाला से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर गाँव आ जाता है, और ये आपने देखा है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत खूबसूरती है। इससे पहले ये सीन मुझे नहीं लगता आपने देखे होंगे। हाँ, अलबत्ता जो लोग यहाँ के रिहायशी या यहाँ पर रहने वाले हैं, जो यहाँ पर आते जाते रहते होंगे, उनको पता होगा, लेकिन बुरेवाला की बहुत सी आवाम है जिसको इस बारे में नहीं पता होगा कि बुरेवाला में कितना खूबसूरत विलेज भी है। अगर आप खेत की सैर वगैरह करने चाहते हैं, फील्ड्स में आना चाहती हैं, स्पेशली हम तो आज यहाँ पर आए हैं व्लॉग शूट करने के लिए, व्लॉग्स भी शूट करने, साथ हम ये बता भी रहे हैं कि बुरेवाला को ज़िला बनाया जाए, क्यों बनाया जाए, जगह वगैरह भी दिखा रहे हैं। और बुरेवाला एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, बुरेवाला के पास बहुत सारी हिस्ट्री है। बाबा हाजी शेर दीवान साहब, जो कि बुरेवाला के बिल्कुल 10 से 12 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकया है, बहुत ही हिस्टोरिकल है। बर्र सगीर पाक को हिंद की पहली सूफी दरगाह, जो मैंने अपनी लास्ट व्लॉग बनाई थी वो मैंने बाबा हाजी शेर दीवान में बनाई थी। सो उसका जो लिंक है वीडियो का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने खुद एक तहरीर भी लिखी थी वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, सो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बाबा गुरु नानक, जो सिखों के, सिख मज़हब के बानी हैं, उनकी जो पहली बैठक है वो भी हाजी शेर दीवान में है। और इसके अलावा बाबा फरीद, जो पाक पतन वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ पर चिल्ला काटा था हाजी शेर दीवान साहब के दरबार में। और इसके अलावा उनका कुआं अभी तक वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर वो कहीं कहा जाता है कि 24 साल कच्चे धागे पर लटक कर इबादत करते रहते हैं, कहीं कहा जाता है कि 11 साल कच्चे धागे पे लटक कर कुएं के अंदर वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। फिर जब उन्हें फैज़ हासिल हुआ तो फिर वो पाक पतन चले गए बाबा हाजी शेर के हुक्म पर। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है जो यहाँ से दीवान साहब में वाक़ है, बुरेवाला के करीब ही।
और इसके अलावा बुरेवाला की बिटिया मिल जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिल है, जिस जैसा कि मैंने आपको इस बारे में बताया, और अभी हमने वहाँ पर दोबारा जाना है। इस वक्त हम खड़े हुए केनाल रोड में। अगर बुरेवाला में आपको देहात की फीलिंग चाहिए, गाँव गाँव की सी फीलिंग आपको है, खेत नज़र आए, हरियाली, खेत हरे भरे, तो ये केनाल रोड है, पंजाब कॉलेज वाला जो रोड है, यही रोड अगर आप सीधा आएंगे लाइक पंजाब कॉलेज जैसे ही आपने क्रॉस किया, दो मिनट और आपने पैदल वॉक करनी है तो आगे देहात वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा। बुरेवाला में गांव की फीलिंग्स लेनी हो तो आप इस रोड पर आ जाएं, सारी गांव की फीलिंग्स है प्रॉपर। सो व्यूवर्स, दिस इज़ द बंगला, दिस इज़ कॉल्ड बंगला सिचुएटेड ऑन द कैनाल रोड बुरेवाला। बुरेवाला कैनाल रोड पर बंगला वाक़ है। बंगले के बारे में खास बात क्या है कि ये बहुत पुराना है, यहाँ पर पहले अंग्रेज ऑफिसर्स होते थे, उनकी रिहाइश हुआ करती थी। और बुरेवाला का जो बंगला है बिल्कुल पुराना नहीं है, खंडर नहीं बना हुआ, इसमें जस्ट एक जगह जो खंडर बनी हुई है, उसके अलावा बाकी इसके डिफरेंट सेक्शन पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में छोटी छोटी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में ऑफिस हैं। बुरेवाला 1926 जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये 1926 से बना हुआ है बंगला। सो पार्टीशन के बाद अंग्रेज ऑफिसर यहाँ से मूव कर गए थे, और उसके बाद जब बंगला और इसका आर्किटेक्चर उसी जगह पर इसी तरह कायम दायम है। और इसके अलावा ये बुरेवाला की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग बंगला भी है, लेकिन ये अभी तक वेल मेंटेन्ड है, पेंटेड है, इसका आर्किटेक्चर है, इस पर काम होता रहा, क्योंकि बुरेवाला तहसील में वाक़ है यार, बुरेवाला तहसील में, इस वजह से ये खंडर नहीं बना, अभी भी अपनी असल हालत में कायम दायम है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग होती रहती है, काम शाम होता रहता है। सोचा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम बुरेवाला की एक वीडियो बना रहे हैं, हमारा जो टारगेट है हम 1 आवर की ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं। सो 1 आवर की वीडियो कंप्लीट करने के लिए हम बुरेवाला में कोई सीन नहीं मिस करेंगे, कोई भी ऐसी जगह मिस नहीं करेंगे जो बुरेवाला के लिए आजाज़ है, ऑनर है, बुरेवाला का फ़ख्र है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Outdoors, forever free.
वी आर स्टैंडिंग इन द बुरेवाला क्रिकेट स्टेडियम। बुरेवाला क्रिकेट स्टेडियम में रोज रात को, शाम को, सुबह, रात, एवरी टाइम, रात हो तो फ्लैट लाइट पर, दिन हो तो सूरज की रोशनी पर, तपती धूप है, लेकिन फिर भी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें जज्बा है, वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जोरों शोरों पर यहाँ पर क्रिकेट होती है। और इसी ग्राउंड में से बहुत सारे पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसमें प्लेयर्स गए हैं, जिसमें मोहम्मद इरफान और वकार यूनिस भी शामिल हैं। अब हम मूव करते हैं बुरेवाला के कायदे आजम स्टेडियम से। कायदे आजम स्टेडियम जो कि तहसील का सबसे, मुल्तान डिवीजन के बाद बुरेवाला तहसील का में जो स्टेडियम है सबसे बड़ा स्टेडियम है, सब हम यहाँ से मूव करते हैं।
viewers, this is the Gourmet Degree College. It is also called Gourmet Postgraduate College, which is situated in Burewala. Burewala का जो Gourmet Degree College है, बहुत ही बड़ा Degree College है. इसका रकबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर students की तादाद भी बहुत ज़्यादा है. आजकल यहाँ पर bachelor's के जो programs हैं 4 years के, वो भी शुरू हो गए, जिसमें IT, English, Physics, Chemistry और Mathematics, ये सब जो इस देर न्यू डिपार्टमेंट्स आए हैं, जो कि 4 year programs हैं bachelor's of sciences के, वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए. अगर आप से कोई लोग एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है, तो वो यहाँ पर आकर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं. इस वक्त हम खड़े हुए दाऊद ब्लॉक में, जो दाऊद ब्लॉक है, यहाँ पर मैं SSC प्री इंजीनियरिंग में जो मेरी क्लासेज हुआ करती थी, यहाँ पर हुआ करती थी, और जो हमारे सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हुए थे मुल्तान बोर्ड की जानिब से, वो भी हमारे इसी कॉलेज में हुए थे. और इसके अलावा इस कॉलेज से बहुत बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात भी पढ़ कर गई हैं. बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1961 आई थिंक सो ये बिल्ड हुआ था. और ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत ही लेवल की, आउट क्लास यूनिवर्सिटी लेवल की बिल्डिंग है. और यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही आली शान शानदार है. लेकिन एक्चुअली जो क्लास रूम्स है, वो इस वक्त बंद हैं, लॉकड हैं, इस वजह से हम अंदर क्लास रूम्स की वीडियो नहीं ले सकते. लेकिन हमने कॉलेज का सारा व्यू ले लिया, कॉलेज की पूरी वीडियो ले लिए. अगर आप भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से पढ़े हुए, तो आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि कॉलेज के अंदर की इस तरह की जो वीडियो है, ये पहली बार हमने ली है. हम ऐसी जगहों पर भी गए जहाँ पर पैदल जाते हैं, लेकिन हमने बाइक घुसा ली और हम वहाँ पर भी गए, वहाँ जाकर वीडियो ली. स्पेशल थैंक्स टू कैमरा मैन, क्योंकि जो कैमरा ट्रिक्स हैं बहुत इंप्रूव हो रही हैं. और हम सुबह आए थे तो यानी बारिश हुई थी, मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ठंडा था, कूल था, आई लव यू था. लेकिन अब जो मौसम है, आई हेट यू वाली फीलिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, सारी लुक्स खराब हो गई, हेयर स्टाइल खराब हो गया और पसीने आने शुरू हो गए. लेकिन फिर भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट मेक बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट. हम चाहते हैं कि बुरेवाला को ज़िला बनाया जाए, इसलिए हम अपनी वीडियो बना रहे हैं. हम जो दिखा सकते हैं इस पूरी वीडियो में, हो सकता है वीडियो 1 आवर की हो जाए, 1 आवर से ज़्यादा की हो जाए, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग बहसीब एक ऐसा चैनल है जो ना गर्मी से डरते हैं, ना धूप से डरते हैं. हमारा कैमरा मैन का रोज़ा होता था, रोज़े में वो सख्त प्यास के साथ भी मेरे साथ शूटिंग पर जाने के लिए आमादा हो जाता था. इवन कि एक दो बार मेरा रोज़ा नहीं था, फिर भी वो मेरे उसका रोज़ा था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आया. और तबाही की गर्मी होती थी, स्पेशली जब हम 329 EB की ब्लॉग शूट किया, और उसके अलावा बहुत सारी ब्लॉग शूट की हैं जो हमने विलेजेस में किए हैं. कैमरा मैन हमारे साथ आता था और फुल रोज़े में गर्मी में. बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ब्लॉग्स में आने का दावा तो करते हैं, कहते हैं कि हमें भी ब्लॉग्स में ले जाया करो, शामिल कर लिया करो, लेकिन वो गर्मी से डरते हैं. जो डरपोक लोग हैं, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते. अगर ये काम करना है तो बहादुरी, जज्बा, हिम्मत और असूलों का पक्का होना चाहिए, टाइम का पक्का होना चाहिए. और बस बहुत हार्ड काम है व्लॉगिंग करना गर्मी में, धूप में, लेकिन फिर भी हर बंदे के बस की बात नहीं है. लेकिन फिर भी हमसे डटे हुए इस चीज़ पर, इंशाल्लाह वन डे वी विल बिकम अ प्रोफेशनल व्लॉगर. अभी तो जस्ट इतनी अच्छी हम व्लॉगिंग नहीं करते, क्योंकि अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना कुछ करना नहीं है. खैर, जिस हद तक हम कर सकते हैं, हम बेटरमेंट्स ला रहे हैं अपनी व्लॉगिंग में. सो व्लॉगिंग के साथ साथ आज हमारा जो थीम था, कॉन्टेंट था, वो ये था कि बुरेवाला को ज़िला बनाया जाए और ये आवाज़ उठाना था. इस वजह से आज हम अपने ही सिटी की बुरेवाला की व्लॉग शूट कर रहे हैं. सो जो जो कुछ हम दिखा सकते हैं आपको दिखाएंगे. सब हम यहाँ से मूव करते हैं, चलें कैमरा मैन, लेट्स गो. Thank you.
सो खवातीन हज़रात, इस वक्त हम खड़े हुए हैं बाहर वाले ग्राउंड में बुरेवाला के पास। ये जब से असल है कि बुरेवाला में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, एक बाहर वाला ग्राउंड, एक स्टेडियम का ग्राउंड, स्टेडियम के अंदर जो ग्राउंड है और यहाँ पर स्पोर्ट्स खेली जाती है। यहाँ पर इवनिंग में शाम टाइम फुटबॉल के मैचेस होते हैं और फुटबॉल के मैच में बहुत बड़े बड़े नंबर प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं, आकर खेलते हैं, मैसी के अलावा। जी हाँ, मैसी तो इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल प्लेयर्स टाइप कुछ भी हैं यहाँ पर आते हैं। बुरेवाला का जो फीफा कप होता है वो यहाँ पर होता है, FIFA 2020 आने वाला है अनकरीबी, सो वो भी यहाँ पर ही खेला जाएगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो जितने भी पॉलिटिकल होते हैं, जिनके पास हेलीकॉप्टर्स वगैरह बुरे वाले में जलसे के लिए आते हैं, तो वो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी लैंड होते हैं, और या फिर लास्ट टाइम जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था वो स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम में। और उसके अलावा यहाँ पर भी हो जाते हैं, ये बाहर वाला ग्राउंड है, यहाँ पर कोई भी बड़ा फंक्शन हो जाए, बड़ा इज्तिमा हो जाए, या स्पोर्ट्स गाला हो जाए, स्पोर्ट्स फेस्टिवल बुरे वाला में कुछ भी हो जाए, सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर कॉमन है, लोग खेलते रहते हैं, यहाँ के लोग खेलों से बहुत प्यार है। हमारा कैमरामैन भी फ़ोन के साथ खेलता रहता है, मैं माइक के साथ खेलता रहता हूँ, ये सब तो इधर आम है, सिटी ऑफ स्पोर्ट्स जो है ना, इस वजह से। तो ये बाहर वाला ग्राउंड है, अब इसका अगर हम ना दिखाते, इसका इंट्रोडक्शन ना करवाते तो ये हमारी पूरी की पूरी व्लॉग अधूरी रह जाती, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दें।
सो खवातीन हज़रात, इस वक्त हम खड़े हुए बुरेवाला की सब्ज़ी मंडी में। बुरेवाला की जो सब्ज़ी मंडी है, जो तहसील की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है, मुल्तान डिवीज़न के बाद जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है वो बुरेवाला की है। बुरेवाला की सब्ज़ी मंडी बहुत बड़ी है, जहाँ पर हर रोज़ सुबह टाइम, सुबह अलीउल सुबह या फजर की नमाज के बाद लाखों लोग अपने रोज़गार कमाने के लिए यहाँ से सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं और आगे मार्केट्स में, सब्ज़ी मंडी में जाके सप्लाई कर देते हैं। सो ये वो मंडी है जहाँ से फ्रूट्स हो गए या सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, यहाँ से आगे वहाँ पर जाती हैं। और बुरेवाला में मछली बाज़ार है, मछली बाज़ार में ज़्यादा मार्केट्स हैं सब्ज़ी की, वहाँ पे लोग लेके जाते हैं, फेरी लगाते हैं या फिर मुख्तलिफ हो गए जो स्टाल लगा लेते हैं या हॉकर्स होते हैं जो रेडी लगाने वाले होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, आके फ्रूट सब्ज़ियाँ लेकर जाते हैं और जाके सेल कर देते हैं। ये बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी पॉइंट है बुरेवाला का, ये भी आपके साथ शेयर कर दें। इसके बगैर भी वीडियो बिल्कुल इनकम्प्लीट थी, अधूरी सी थी, सो हमने सोचा यहाँ पर भी हैं। इस वक्त गर्मी बहुत है, इसके बारे में मज़ीद इंट्रो भी हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है, मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। थैंक यू।
So viewers, if we are going to talking about the parks, then Burewala have two parks. One is the children park, which is near about Afakhan Chowk, and one is about the family park, which is near about the Chungi number 5. Chungi number 5 is situated in the center of the Burewala. Burewala ke center mein Chungi number 5 hai, uske bilkul left side pe, right side pe, sorry, family park hai, aur ye hai Afakhan चौक के पास चिल्ड्रन पार्क. सो पार्क की कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम वगैरह हो रहा है, पार्क की रिपेयरिंग हो रही है. और एक दूसरा पार्क है, वो भी बहुत बड़ा पार्क है. सो बुरेवाला को ज़िला की हैसियत देनी चाहिए, क्योंकि बुरेवाला में दो पार्क हैं, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़े पार्क हैं. इसके अलावा जी हाँ, अगर बिहाड़ी की बात की जाए तो बिहाड़ी में पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, बुरेवाला की निस्बत वहाँ पर पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं. और बुरेवाला के पास बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो कि पार्क्स क्यों नहीं बन रहे. बहुत सारी खाली जगह, इवन कि मेरे घर के पास भी आजकल वहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है, वो जगह भी पार्क को देने का मैं कब से सुन रहा हूँ, बचपन से लेकर अब तक मैं सुन रहा हूँ कि उस जगह पे पार्क बनेगा, लेकिन अभी तक पार्क बन नहीं रहा. इसके अलावा दो तीन और जगह भी हैं जहाँ पर पार्क बनने हैं, लेकिन बन नहीं रहा. क्यों? क्योंकि बुरेवाला तहसील है, बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से इसकी तरह इधर तवज्जो नहीं दी जाती, इधर काम अमल में नहीं लाए जाते. बस यही वजह है, जगह भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बस रिसोर्स भी हैं, लेकिन बस हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, मैं ब्लेम नहीं किसी को कर रहा, हमारे कोई मतलब निगहबान नहीं है, कोई भी निगरान नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है. अगर बुरेवाला को ज़िला ना बनाया गया तो ये बुरेवाला के साथ नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. सो आपको चाहिए, हमें चाहिए, हम बुरेवाला के लिए आवाज़ उठाएं, हमें बुरेवाला को ज़िला बनाना है, और हम बना के रहेंगे बुरेवाला को ज़िला इंशाअल्लाह. और इसके अलावा जो रिक्शा है, रिक्शा कहाँ की इजाद है, रिक्शा गाड़ी जिसे कि चांद गाड़ी भी कह सकते हैं, ये बुरेवाला की इजाद है. बुरेवाला का ही एक आदमी था जिसने रिक्शा गाड़ी इजाद की है, जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों लोग रोज़गार कमा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.
इज द एरिया ऑफ एन अंदरून बुरेवाला, ये वो इलाका है जो अंदरून बुरेवाला कहलाता है। इस इलाके में एक हबीब कलोनी, बुरेवाला का रेलवे स्टेशन, लक्कड़ मंडी और इस टाइप के मार्केट्स वगैरह हैं। और ये अंदरून बुरेवाला क्योंकि बुरेवाला के बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में है, इस वजह से इसको अंदरून बुरेवाला का नाम हमने दिया था। लास्ट टाइम ये जगह भी हमने एक्सप्लोर की थी, ब्लॉगिंग में हसीन ने ये जगह एक्सप्लोर की थी। सो वो ब्लॉग भी नीचे उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो ब्लॉग मैंने यहाँ की शूट की थी अंदरून बुरेवाला के नाम पर। और ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग थी जो मैंने यहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। तो आज मैं उसी जगह पर वापस आ गया हूँ। तब हमारे पास ना इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी थी, ना वॉइस क्वालिटी थी। मुझे याद है आज भी कि मैंने यहाँ से काफ़ी थोड़ा पीछे वहाँ पर अपना इंट्रो खड़े होकर दिया था। और इसके अलावा उस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आंधी आ रही थी जब मैंने अपनी पहली ब्लॉग शूट की थी। इधर मैं जब भी आता हूँ तो मौसम ख़राब होता है, या बारिश आती है या आंधी आ जाती है, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पे आए हैं। सख्त धूप है, आज हम आए हैं तो सुबह ही अभी यहाँ पर बारिश हुई है। तो मैंने सोचा यहाँ पे अब हम आए हुए हैं, ये है जी गल्ला। यहाँ पे आई थिंक सो गंडम स्टोर की जाती थी पहले। सो अब हम इस वक्त इसकी टॉप पीक पे आ चुके हैं इस जो बिल्डिंग की, और इस बिल्डिंग की पीक पे आके हमने वीडियो बनाई है। आई होप कि आपने वीडियो को देखा होगा। यहाँ पर फिर वही ढेर सारे बच्चे जो पिछली वीडियो में थे अब वो वापस आ रहे हैं, कहते हैं कि वो इस जगह के बारे में बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं ये सब वगैरह है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। बुरेवाला को ज़िला बनाओ हमारी आज की वीडियो का कंटेंट है, और इसीलिए हम आज एक्सप्लोर करें सारा करें। इसके बिल्कुल सामने जो है इस बिल्डिंग पे खड़े हो तो रेलवे स्टेशन है। जो रेलवे स्टेशन है उस पर भी हम ब्लॉग शूट कर चुके हैं। बहुत ही कमाल की ब्लॉग हमने बुरेवाला रेलवे स्टेशन की बनाई थी, जिसे मैंने पहले रेलवे जंक्शन का नाम दिया था, फिर मुझे पता चला तो मैंने उसे चेंज करके बुरेवाला रेलवे स्टेशन कर दिया। बुरेवाला रेलवे स्टेशन भी बहुत पुराना है, 1924 या 1926 में वो बिल्ट हुआ था। इतना मुझे पता है कि 100 साल पुराना वो भी है। सो बुरेवाला का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसकी ब्लॉग का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा ये अंदरून बुरेवाला है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एरिया है। ये एरिया सिर्फ बुरेवाला की तस्वीर है उसके पास ही है जो इतना पुराना है। जो इस एरिए का टेस्ट है, ये एरिया इसका जो पूरे शहर से अलग जायका है, अलग टेस्ट है, अलग व्यू है बिल्कुल। मतलब पूरा बुरेवाला एक तरफ, ये जो अंदरून बुरेवाला का एरिया है, जो यहाँ पे ये जो खल्ला है, रेलवे स्टेशन का एरिया, बीटीएम मिल का एरिया, ये सब एक तरफ। ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही एक ट्रेडिशनल सकाफती कल्चरल या हिस्टोरिकल जगह है। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं इस जगह पर आया हूँ, जितनी बार भी आया हूँ। यहाँ पर स्पेशली जो लोग होते हैं, खास तौर पर यंग होती है, यूथ होती है, वो फोटो शूट के लिए आती है। फोटो शूट के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड लोकेशन सब कुछ बहुत ही आला है, बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा ये जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल के लिए। ये जो बिल्डिंग जहाँ पर हम इस पर खड़े हैं, इसका भी हमने शूट लिया है। ये भी आपके साथ आई होप सो के वीडियो में शेयर कर दिया गया होगा, आई मीन के कैमरा ने ले लिया होगा कैमरा मैन ने। ये जो वो जगह है, ये जगह बहुत प्यारी है, फुल येलो पिंकी है, बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग है। यहाँ पे खड़े होकर बुरेवाला की जो सबसे टॉपेस्ट है ना जो बिल्डिंग है, और जो विड्थ में भी लेंथ में भी, वो ये बिल्डिंग है जो विड्थ और लेंथ के लिहाज से सबसे बड़ी और चौड़ी है। जी हाँ, बहुत ही कमाल की है। सो आई होप सो कि आप वीडियो को इन्जॉय भी कर रहे होंगे, साथ साथ आपको पता रियलाइज़ भी हो रहा होगा कि बुरेवाला वाकई बुरेवाला को ज़िला बनना चाहिए। इसके बाद अगली जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, आई डोंट नो क्या है, रस्ते में जो भी जगह आती है हम वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। थैंक यू। इसी मैं वीडियो शूट कर रहा था, जो लास्ट वीडियो शूट की थी तब भी यही बच्चे यहाँ पर आए थे, और आज फिर ये बच्चे आ गए। इन बच्चों में बड़ा जोश और जज्बा है, मेरे से ज़िले के बारे में पूछ रहे थे, फिर मैंने वही इन्हें डिटेल से बता दिया। सो जी आपको कोई नारा लगा के दिखाना देते हैं, बुरेवाला को जिला बना रहे, बुरेवाला को जिला बना रहे, बुरेवाला को जिला बना रहे। जी हाँ, इन बच्चों की रिक्वेस्ट पर भी जो हैं हुक्मरान हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मैं कहना चाहता हूँ कि बुरेवाला को ज़िला बनाया जाए इन बच्चों की रिक्वेस्ट पर। और जो ये बच्चों का जो जोश व जज्बा वलवला देखकर भी अब तो चाहिए ना जो हुक्मरान हैं कि बुरेवाला को ज़िला बना देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मीटिंग करके। और इसके अलावा आप लोग कुछ कहना चाहते हो? बुरेवाला को ज़िला बनाना है, बस इनके पास यही अल्फाज है, इसके अलावा इनके पास कोई अल्फाज नहीं है। बुरेवाला को ज़िला बनाना है, दिल से बनाना है, बस हमने यही नारा लगाना है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरेवाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरेवाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरेवाला
व्यूअर्स हर जगह से घूम घुमा के पूरा शहर घूमने घुमाने के बाद, व्लॉगिंग करने के बाद, कैमरे से सिनेमैटिक शॉट्स लेने के बाद, ट्रैफिक की जो होती है ताल झोल, इन सब से निपटने के बाद अब हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, जो है बुरेवाला की गल्ला मंडी, दी ग्रेन मार्केट ऑफ बुरेवाला। बुरेवाला का सारा अनाज यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके स्टोर होता है। लोग चक्कों वगैरह से आते हैं, पिंड, देहात, इन सब जगहों से लोग अपनी अपनी कपास, गंदम, मकई, चावल सब फसलें लेकर यहाँ पर आते हैं। मतलब जब भी वो उग जाती हैं, बड़ी ग्रो अप हो जाती हैं, तो यहाँ आती हैं, यहाँ पे आकर सेल होते हैं। ये मार्केट है अनाज की, कपास की, लाइक दैट। सो ये बुरेवाला की जो गल्ला मंडी है, तहसील की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, मुल्तान डिवीज़न की सबसे बड़ी गल्ला मंडी, मुल्तान के बाद बुरेवाला जो उसकी तहसील है उनमें से बुरेवाला की गल्ला मंडी सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, जैसा कि आप देख चुके होंगे। सो इसके बगैर भी वीडियो कंप्लीट नहीं थी। सो इसको वीडियो में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही बड़ी ग्रेन मार्केट, बहुत ही बड़ी गल्ला मंडी और बहुत ही प्यारी खूबसूरत है। आप मेरे बैकग्राउंड में घर देख सकते होंगे, ये घर पार्टीशन से भी पहले के हैं, बहुत पुराने घर हैं। सो ये मुझे लगता है जैसे कि पहले एक होम स्ट्रीट हुआ करती थी, यहाँ पे घर हुआ करते थे, फिर पार्टीशन के बाद चेंजिंग आती गई, तब से ये गल्ला मंडी में तब्दील हो गया, तो अब ये गल्ला मंडी ही है। सो अब हम यहाँ से मूव करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और बुरेवाला को ज़िला बनाओ, तहरीक चलाओ, यही नारा हमने लगाना है, बुरेवाला को ज़िला बनाना है। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू प्रिंस फ्राज, दुआओं में याद रखिएगा, और व्लॉगिंग बहसीब चैनल का नाम मत भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।